उम्मीद है कि वो तो अच्छे होंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल के मदारे से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आजकल ये ट्रेंडिंग वीडियो जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत कन्फ्यूजन वाली वीडियो है ये। दोस्तों देख लीजिए सीटेट के बारे में है ये, नया सीटेट 2023 का विज्ञापन जारी 5 अप्रैल से। देख लीजिए यहाँ पर शुरू होने यानी शुरू आवेदन ये डॉक्यूमेंट न होने पर अभ्यर्थी नहीं कर सकते आवेदन, CBSE चेयरमैन का बड़ा बयान। ये बात तो सही है कि नया सीटेट आने वाला है जुलाई में, और मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ जो सीटेट की तैयारी करना चाहते और कर रहे हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा, सोल्यूशन दूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी स्टूडेंट पिछले सीटेट में पिछड़ गए थे, अच्छा रैंक नहीं ला पाए थे, वो तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और पिछड़े हुए सीटेट से बेहतर अंक लाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ बारीक रूप से, 2023 का जो है ना ये विज्ञापन जारी 5 अप्रैल से, यानी 5 अप्रैल तो बीत गया दोस्तों, लेकिन ये वीडियो ट्रेंडिंग कर रहा है। आप लग सकता है कि ये जो है ना जो सोशल मीडिया पे ये जो अखबार का कटिंग चल रहा है ये गलत है या फिर सही है, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या लिखा है वो भी बायोडाटा देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को लेकर चल रही अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा कि BED पास उम्मीदवार भी पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए सीटेट दे सकते, यानी वन से लेकर फाइव तक क्लास के जो है ना, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं BED पास क्यों ना हो तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, BA यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, ठीक है। मालूम हो कि 1 अगस्त से जारी सीटेट के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में प्राइमरी स्तर के सीटेट के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता के BED पास उम्मीदवारों को जगह नहीं दी गई है। BED के एक आला अधिकारी ने कहा है कि सीटेट में इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, बुलेटिन के 7 नवंबर के पैराग्राफ में नोटिस में लिखा गया है कि जो उम्मीदवार पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं तक दोनों स्तरों को पढ़ाना चाहते हैं वे उन दोनों पेपरों में जो है ना मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस ऐसे वीडियो के अफवाह में मत आइए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब तक जो है नोटिफिकेशन सीटेट का नहीं आएगा तो हम तैयारी करना स्टार्ट नहीं करेंगे, ऐसे अगर आपके दिमाग में तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए और जो है सीटेट की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ, जो आपको अच्छा लगे वही काम कीजिए और अच्छा बेहतर अंक लाने की कोशिश कीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल के मुताबिक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर धन्यवाद मित्रों के, बाय।